एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रुपेश एंड यू आर वाचिंग इन्फिनिटी लवर। तो आप में से बहुत सारे लोगों का नया यूट्यूब चैनल होगा, तो उसमें आपको ये मेरे जैसे बैकग्राउंड नॉइज सुनाई देती होगी। बाजू में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई चिल्ला रहा है, ऐसे कोई भाग रहा है, ऐसे सब नॉइज़ सुनाई देती होगी। तो आप सोचते होंगे कि मेरे पास काश एक अच्छा सा माइक्रोफोन होता तो काम चल जाता। तो मैं नए यूट्यूबर्स को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो बड़े यूट्यूबर्स हो गए उनके पास तो बहुत सारे माइक्स आ गए हैं, अब फिर वो खरीद सकते हैं, पर हम जैसे नए यूट्यूबर्स माइक अफोर्ड नहीं कर पाते तो ऑनलाइन जाते हैं, देखते हैं कौन सा चीप माइक्रोफोन है। तो उन्हें मिलता है लैपेल माइक्रोफोन, जो कि स्टार्टिंग हार्डली 170 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। तो अगर आपको उतना भी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है तो मैं एक आपके लिए DIY तरीका लेके आया हूँ कि आपके ईयरफोन के माइक्रोफोन को हम एक्सटेंड करके कैसे एक अच्छा सा लैपेल माइक्रोफोन बनाते हैं। वैसे भी लैपेल माइक्रोफोन वही होता है एयरफोन का एक्सटेंडेड वर्जन, तो हम उसे घर में कैसे कम से कम कीमत में बना सकते हैं वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक सोल्डरिंग आयरन, एक इलेक्ट्रिक टेप, एक सोल्डरिंग वायर, एक क्लिप जो आपको किसी भी हेडफोन से मिल सकती है या फिर ईयरफोन से मिल सकती है, उसके साथ एक माइक्रोफोन जो आपको ऑब्वियसली एक एयरफोन से मिल जाएगा। तो अभी मैं मेरी एक वायर ढूंढ रहा हूँ। हाँ, ये जो पुरानी वायर है मेरी, इसके मैंने एक पहले माइक बनाया था, उसका मैंने इधर जॉइंट लगाया है। इस जॉइंट की वजह से जो ऑडियो क्वालिटी होती है वो बहुत लॉस्ट हो जाती है, इसकी वजह से मैंने नई वायर ली है, 4 मीटर, पूरी 4 मीटर नई वायर ली है, जो कि मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ। और एक ऑडियो जैक जो मैंने पुराना वाला अपना ऑडियो जैक होता है ना उसमें से निकाल लिया है। इस ऑडियो जैक में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि कभी कभी ये नीचे वाली पिन ग्राउंड होती है और उसके ऊपर वाली जो पिन होती है वो माइक होती है, और बाकी के सब स्टीरियो कनेक्शन हेडफोन्स के होते हैं, तो उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। मैंने अभी बाजू में तख्ता दिया है, उसमें आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं। तो अभी देखते हैं कि हमारे इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन सूट करता है, तो उसके लिए मैं अभी वायरिंग कर देके देखता हूँ। तो मैंने वायरिंग करने से पहले थोड़ा सा गूगल पे सर्च किया। गूगल पे सर्च करने के बाद मेरे को पता चला कि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा सब फ़ोन में सेम वायरिंग होती है, कि नीचे का वाला माइक या तो पॉजिटिव होता है या ऊपर वाला नेगेटिव होता है। तो मैंने सबसे पहले नीचे वाले को नेगेटिव कनेक्ट किया और उसके बाद सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको पॉजिटिव कनेक्ट किया और ट्राई किया कि ये सर्किट वर्क करता है क्या। और ये सोल्डरिंग हो गया, तो हमारा ऑडियो जैक एक साइड से रेडी है। तो अब मैंने माइक की भी पूरी सोल्डरिंग कर ली है, माइक का पॉजिटिव पॉजिटिव को और नेगेटिव नेगेटिव को लगाया मैंने, और मैंने ये चला के देखा बट ये चल नहीं रहा है। तो मैं अब सिंपली क्या करूँगा, ऑडियो जैक को सोल्डरिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसकी वजह से मैं अब माइक को फ्लिप करूँगा, मतलब माइक का जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव में लगाऊँगा और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में लगाऊँगा। मेरे माइक का सोल्डरिंग पूरा हो गया है और मैंने इसे एक बार टेस्ट भी कर लिया और वो वर्क कर रहा है पूरी अच्छी तरीके से। तो अब उससे अच्छा दिखाने के लिए मैंने उसके ऊपर एक केस लगा दिया, अपना एयरफोन का जो बीच का केस होता है जिसमें माइक रहता है उसका केस लगा दिया, और उसके ऊपर स्पॉन्ज लगा दिया, मतलब कौन सा भी स्पॉन्ज, इसकी वजह से उसमें जो आवाज़ आती है वो ना आए। तो ये मैंने अच्छी तरीके से उसे ट्रिम विम कर लिया और उसके बाद उसके ऊपर लगा दिया। अब मैं एक जिप टाई लूँगा, मतलब वो मैंने बताना भूल गया पहले, जिप टाई लूँगा और उसको जो हमारी पिन है मतलब जो हम क्लिप लेने वाले थे उसके ऊपर अटैच कर दूँगा, मतलब उसके ऊपर जो होल है उसके अंदर से निकाल लूँगा और उसका एक राउंड बना के जो हमारा माइक का पीस है उसके ऊपर उसे टाइटली लगा दूँगा। आप आगे की वीडियो देख के बोलोगे कि मैं इसे इतना क्यों टाइट कर रहा हूँ, बट वो सच में मेरे हाथ में फिसल रहा था और वो बिल्कुल भी टाइट नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने उसे ज़ोर से खींचा, बहुत ज़ोर से खींचा, फिर जाके वो टाइट हुआ। क्या मालूम क्या प्रॉब्लम था उस जिप टाई को मेरे से।
तो और ये एक्स्ट्रा का मैंने काट लिया, यूज़ करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और मैंने दूसरे एंड में जो अपना ऑक्स था उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा इलेक्ट्रिक टेप लपेट दिया है फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। मेरा माइक पूरी तरीके से तैयार है और मैंने इस पैकेट में उसे स्टोर करके रखा है। तो मैं उसके पहले एक कंपैरिजन करता हूँ इसे निकालने से पहले, कि अभी मैं एक मेरे आवाज़ का कंपैरिजन करता हूँ। मैं अभी कैमरे के नज़दीक हूँ तो मेरा आवाज़ देखिए, और जैसे मैं कैमरे के दूर जाता हूँ तब मेरा आवाज़ देखिए। आपको बाजू का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। तो मैं अभी क्या करता हूँ, जल्दी से मेरा माइक प्लग इन करता हूँ और तब आपको आवाज़ सुनाता हूँ। तो मैंने मेरा माइक प्लग इन कर दिया है, तो अब ऑडियो क्वालिटी में जब पास हूँ तब सुनिए, और जब मैं दूर जाता हूँ तब देखिए, ऑडियो क्वालिटी पूरी चेंज हो जाएगी, बैकग्राउंड नॉइज़ ख़त्म हो जाएगा। और मैंने जो बड़ी वायर लगाई थी उसकी वजह से मैं कितना भी दूर जा सकता हूँ, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप और बड़ी भी वायर लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा माइक पसंद आया होगा तो इस चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बाजू में जो घंटे का आइकॉन आएगा उसे भी दबा देना, ताकि मेरी जो आने वाली क्रिएटिविटी वीडियोज़ है उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दैट्स रुपेश साइनिंग ऑफ। टाटा बाय बाय।